एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हालचाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, बुरी नजर से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यार अभी आज सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें जो है थोड़ी सी करेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने जो है DHA कॉल करी है। DHA कॉल करके जब मैंने कन्फर्मेशन ली है तो मुझे पता चला है बेसिकली कि UAE आने के लिए जो इंडिया से जो बेसिकली फ्लाइट्स हैं, ठीक है, वो 23 जून से जो शुरू हो रही है, उनको कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो अलाउड है, कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगेंगी, यूएई में कौन सी वैक्सीनेशन अप्रूव्ड है। अभी DHA अथॉरिटी से मेरी बात हुई, मैंने खुद कॉल करा उनसे पूछा, तो मुझे पता चला बायोटेक फाइजर, ठीक है, नंबर वन, नंबर टू सिनेफार्म और एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक, ये चार वैक्सीन है बेसिकली, ठीक है, जिनके पास ये वैक्सीनेशन यहाँ पे हुई भी थी और वो इंडिया चले गए थे और आ नहीं पा रहे थे, तो वो अब आ सकते हैं। अच्छा, सेकेंड थिंग इज दैट जो लोग इंडिया में जो कोविड शील्ड के नाम से जो वैक्सीन लग रही है वो भी बेसिकली AstraZeneca ही है, उसका नाम चेंज करके जो है ना वो जो है AstraZeneca हटा के जो है कोविड शील्ड इंडिया में जो है ना वो वैक्सीनेशन लग रही है। और वो लोग जिन लोगों ने कोविड शील्ड लगवाई है दोनों डोज, एक नहीं दोनों डोज, वो आ सकते हैं, एक वाले नहीं दो वाले आ सकते हैं। सुबह जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर लिटिल करेक्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहां तक मुझे नॉलेज पता चली थी, जहां तक मुझे पता चला था इन्फॉर्मेशन कि यार कोविड शील्ड और जो है इंडिया में जो कोविड शील्ड लग रही है और AstraZeneca जो है वो बेसिकली जो है ना उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, तो मैंने जब कंफर्म किया DHA कॉल करके तो DHA वालों ने बताया नहीं कि जिन लोगों ने कोविड शील्ड लिया हुआ है इंडिया के अंदर दे कैन ट्रैवल, दे कैन इंटर इन UAE। ये तो अपडेट थी, ठीक है ना, तो भाई की तरफ से बहुत बहुत माजरात नंबर वन। नंबर टू, कन्फर्मेशन करने के बाद ही अब मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो एक डोज वाले वो नहीं आ सकते, जो जिन्होंने दोनों डोजेज ली हुई है सिर्फ वो आ सकते हैं, UAE आके दूसरी डोज नहीं लगेगी, अपने वहां से इंडिया से जो लोग आ रहे हैं वो लगवा के ही आएंगे, एक चीज तो ये मैं बता दूं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के वीजे जो है वो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया, वो तो ऑलरेडी बंद है, ठीक है ना, और फ्लाइट जो है वो सुनने में ये आ रहा है 7 जुलाई के बाद खुलेंगी। चार वैक्सीन है, मैंने बता दिया, अगेन रिपीट कर दूं, सिनेफार्म, स्पुतनिक, ठीक है, बायोटेक फाइजर, एक ही अपना ये वैक्सीनेशन है, और इसके अलावा जो AstraZeneca जो इंडिया के अंदर जो है कोविड शील्ड के नाम से लग रही है, ठीक है ना। ये है अपडेट, मैंने कहा आप लोगों को अपडेट कर दूं। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग विजिट वीजा वाले हैं इंडिया में हैं उनके लिए भी चांसेस यही है कि हो सकता है जल्द से जल्द फ्लाइट खुल जाए, शायद 7 जुलाई के बाद चांसेस हैं। एक टच दिया उन्होंने, इन लोगों ने जो है ना मतलब फ्लाइट खोल के देखा है कि देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद फिर विजिट वीजा वाले के लिए भी इंशाल्लाह खुल जाएगा, ठीक है ना। ये अपडेट मैंने कहा आप लोग अपडेट करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा।